हेलो एवरीवन वेलकम टू विमान्य आईएस आई एम सार्थक सीनियर फिकल्टी विमान्य आईएस एंड आई अलसो वेलकम यू टू आवर इनिशिएटिव अभ्यास 2.0 अभ्यास 2.0 हमारा वो वाला इनिशिएटिव है जहाँ पर हम एससीएस प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आपके सामने आते हैं एच का एस का इज गोइंग टू बनेक्टेड ऑन इलेवंथ फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू द एचपीएससी नोटिफिकेशन और वो एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट होने वाला है जितना रीसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट एंड अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन को इजी करने के लिए सो so दैट आपके चांसेज इंक्रीज हो एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमने अपना ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जहां पर हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या अदर रेलिवेंट एमसीक्यूज हो आपके स्टैटिक पार्ट के डायनेमिक पार्ट के स्टैटिक के अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक्स लाइक पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकॉनमी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट एवरीथिंग जितने भी इंपॉर्टेंट है उसके अलावा हरियाणा जीके में हरियाणा का स्टैटिक पार्ट हरियाणा के करंट अफेयर्स नेशनल करंट अफेयर्स Everything will be covered in this series. All we We want want is just just you to stay connected with us. We just want your फॉलो करते रहिए राइट right? आपके लिए ऐसे ऐसे aise बहुत सारे आगे लेके आते रहेंगे और ये aur ye टिल initiative till फ्रम prelims last तक tak आपके सामने चलता रहेगा आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है और इम्पोर्टेंट important से हमारे साथ कवर करते जाने हैं कोई भी आपको डाउट है कुछ भी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं वहां पर आप टाइप कर सकते हैं वी विल ट्राई अवर बेस्ट

उसके बाद खुद आंसर करना है देन यू विल हैव टू चेक वेदर योर आंसर वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट इफ इट वॉज करेक्ट वेल एंड गुड अगर करेक्ट नहीं था इनकरेक्ट था तो आपको चेक करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो क्या कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे क्या आपका टॉपिक की रिविजन की वीकनेस तो नहीं है क्या आपने रिवाइज ही ढंग से नहीं किया आपको चीज़ें याद ही नहीं है बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप अपनी गलतियों से ज़्यादा अच्छे से सीखता बंदा

रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ओके तो वर्ड इज वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, कौन होते हैं See, capital, right? ये दो टर्म होती है भाई दबा ये दोनों दोनों के दोनों जो बॉडीज है, है ये किसमें फंडिंग प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप्स इन्वेस्ट करते हैं ये दोनों के दोनों किस में फंड करते हैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं दे आर डीलिंग दैट राइट स्टार्टअप्स की फंडिंग बट डिफरेंस क्या है कि वेंचर कैपिटल कोई ना कोई फर्म होगी कोई फर्म होगी ऑर्गेनाइजेशन होगी बाकायदा उसको बोलोगे आप वेंचर कैपिटलिस्ट एज एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं ये इंडिविजुअल सिंगल इन्वेस्टर्स होते हैं लाइक like आपने शार्क टैंक देखा होगा शार्क टैंक में जो तीन इन्वेस्टर वहां बैठे थे देवर एंजल इन्वेस्टर्स एज अगर कोई फर्म है जो सिर्फ स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप को सीड कैपिटल दे रही है उनको ग्रो करने के लिए पैसा दे रही है सीड कैपिटल का मतलब क्या इनिशियल फंडिंग सीड बीज बोते हो ना उससे पेड़ उगता है राइट right? मतलब प्लांट उगता है आई I मीन mean. तो वैसे ही सेम सीड कैपिटल का मतलब यही है स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए इनिशियल जो आप एक अच्छी बल्क में इन्वेस्टमेंट दे उनको उसको बोलते हैं सीड कैपिटल तो वो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट का वही वाला काम होता है राइट वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी होगी फर्म एंजल इन्वेस्टर्स आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स

एंड आई होप आपने प्रोटोकॉल को फॉलो किया होगा आपने चेक किया होगा दोनों की करेक्ट है कि इनकरेक्ट और अगर इनकरेक्ट है तो अपनी गलतियों में काम किया होगा राइट ओके नेक्स्ट प्लान राइट फाइव ईयर प्लान बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इसे एक नया क्वेश्चन हर साल आता है राइट right? so, इस साल भी आपको एक्सपेक्टेड है राइट right? ओके ओके जस्ट सेक सो फाइव ईयर प्लान्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है राइट ऑल राइट बट नन द लेस इतना टफ नहीं है इजी ही टॉपिक है राइट ओके तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्लूसिव एंड ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन राइट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनुप्लॉयमेंट एंड देन फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या पूछा है आपसे

या फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट जिनको एस डी आर बोला जाता है ऑप्शन है ओनली ओनली एंड 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 या फिर ओके सो okay? so, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए यू शुड नो वॉट ऑल दस करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कंस्टिट्यूट बाई बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो अकाउंट आते हैं आपके वन इज करंट अकाउंट एंड अदर इज योर कैपिटल अकाउंट राइट नाउ करंट अकाउंट के अंदर आपके क्या क्या आएंगे करंट अकाउंट के अंदर आपके आएंगे गुड्स सर्विसेज राइट देन बेसिकली आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स आती हैं इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर आपकी रेमिटेंसेज uh, रेमिटेंसिस आ जाएंगे आपके गिफ्ट आ जाएंगे आपके राइट right? और इसके अंदर और क्या आते हैं आपके और क्या आएंगे आपके इनकम इनकम वगैरह जो जनरेट होती है राइट right? जो भी इनकम आपके डिफरेंट से जनरेट हो रही है एक्सटर्नल सोर्सेस से बेसिकली वो सब इसके अंदर काउंट होगा राइट right? इन्हीं को बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल और इनविजिबल राइट इनको ट्रेड बैलेंस ऑफ विजिबल और इनविजिबल गुड्स भी बोलेंगे देन कैपिटल कैपिटल के अकाउंट अंदर आएंगे आपके बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट लाइक एफ डी आई एफ पी आई एफ आई आई भी बोल सकते हो आप जिनको राइट right? ये सब यहाँ काउंट होगा देन और कौन सा काउंट होगा इसके अंदर जो भी आपको लोन मिल रहे हैं बाहर से लोन कौन से आपके सोवरन लोन या फिर आपके ई सी राइट जो गवर्नमेंट लोन ले रही है वो काउंट होगा और क्या काउंट होगा इसके अंदर इसके अंदर एनआरआई के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी काउंट होंगे राइट right? एनआरआई ने जहां पर अकाउंट खोल रखे हैं वो भी काउंट होंगे तो ऑल दिस इज बेसिकली ब्रॉड डिफ्रेंसिएशन कैटेगराइजेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट राइट अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने एक बार लेट सी द क्वेश्चन नाउ ओके सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बैलेंस ऑफ क्या क्या-क्या से आपसे पहली बात तो अकाउंट अकाउंट के बारे में में पूछ रहे हैं कि चीजें yes, right? we'll है इसी इसी ट्रेड को बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड राइट ओके देन फॉरन एसेट्स नो फॉरन एसेट्स विल नॉट बी देयर ये किसमें काउंट होगा बेसिकली ये होगा आपका कैपिटल अकाउंट में

सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए बैंकिंग से रिलेटेड है right? क्वानिटी टूल है बाय द वे एमरजेंसी एक प्रोविजन है इसके लिए फॉर बैंक क्या होता है इसके अंदर इसके अंदर जो बैंक है वो एस एल आर कोटा के अंदर थी जो जी पड़ी है एस एल आर कोटा के अंदर जो जी सेक है उसकी उसका कुछ पार्ट part, कुछ पर्टिकुलर पार्ट part, कुछ परसेंटेज वो एस एल आर कोटा वाली को यूज करके जो बैंक है वो लोन ले सकता है किससे आर बी आई से किस काम के लिए ये सिर्फ टेम्पर जो उसके मिसमैच हो रहे डे उसके जो कैलकुलेशन में जो बैलेंस शीट वगैरह में सिर्फ उसके लिए एक शॉर्ट टर्म लोन होगा एक या दो दिन के लिए बस ये ज्यादा लंबा लोन नहीं होगा राइट और ये हमें सिर्फ रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा ही होगा रेपो रेट से ज्यादा ही होगा हो ये

नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज क्या होती है ये एनडीटी बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए है उनकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से लिंक्ड होता है इसी के बेसिस पे वो नेट अपना कैलकुलेट करते हैं कितना एसेट है उनके पास राइट ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन राइट आई होप आपको एमएसएफ के बारे में पता लगा होगा यहां से राइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज और आर द फैसिलिटी फैसिलिटीज द बेनिफिशरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट दैट इज बैंक सारथी इन ब्रांचलेस एरिया राइट बैंक सी होता है एक जिसके अंदर क्या करेगा वो एक छोटा सा उसका डिवाइस होगा वो लेके जाएगा काइंड ऑफ मिनी बैंक है उसके हाथ में वो बिल्कुल बैंकलेस एरिया में दूर दराड़ा के एरिया में जहाँ पर पहुंच नहीं सकते बैंक वहां पर लेके जाता है और जो वहां के पीपल हैं उनको हेल्प करता है बैंकिंग ऑपरेशन में राइट ओके तो ऑप्शन देखते हैं अब इसके फर्स्ट इट एनेबल्स टू ड्रॉ देयर सब्सिडरीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन देयर

आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं राइट ओके तो ऑप्शंस पे आते हैं फर्स्ट फर्स्टमेंट है टू एनेबल द सेंट्रल बैंक सेकेंड टू मेक पीपल्स डिपोजिट विद सेफ एंड लिक्विड राइट ओके देन टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट ओके देन टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिश वोल्ड कैश टू मीट द देर डे टू डे रिक्वयरमेंट्स रेक्ट ऑप्शन वन ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली या फिर वन टू थ्री एंड फोर ओकेट्स चेक इट बायटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस द बैंक कैन क्रिएट ओके येस इट कैन बी करेक्ट टू मेक द पीपल्स डिपोजिट इथ बैंक सेफ एंड लिक्विड येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट देन टू प्रीवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एस एससी प्रोफिट नो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रोफिटेबिलिटी तो चाहता है आरबीआई चाहता है कि बैंक प्रोफिटेबल हो तभी तो इकोनॉमी रन करेगी इनफैक्ट इसका पर्पज़ एक तरीके से उनकी प्रोफिटिलिटी को इंक्रीज करना है कहीं कही ना कहीं बिकॉज सिक्योर रहेगा लोग ज्यादा डिपोजिट करेंगे प्रोफिटेबिलिटी लोन आगे घुमा पाएंगे तो ज्यादा लॉ होती है राइट right? तो so, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है देन टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशियंट वोल्ड कैश टू मे दियर डे टू नो नथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज वन एंड टू ओनली एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन and i hope you must have got this question correct if you haven't got it correct then please do make the appropriate rectification and check where you have been going wrong aapko apni galtiyan pata lagni chahiye ki kahan pe galti kari kya understanding wale part mein galti thi ya silly mistake kar gaye agar understanding wale part mein then do let us know in the comment section as well अगर आपको उसके लिए आप videos को भी वैसे refer कर सकते हो, check out kar sakte ho right if you still are facing this problem then you can provide

it will increase the tax collection of the government then it will increase the investment expenditure of the in the economy then increase the total savings in the economy right, right. so kya option hoga isko option by option dekhte hain it will decrease the consumption expenditure no in fact it will increase the consumption expenditure how because jab interest rate kam honge इंटरेस्ट रेट कम है तो मतलब कम रेट पे आपको इंटरेस्ट लोन मिल रहा है लोन पे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है तो लोग ज्यादा ज्यादा लोन लोग ज्यादा लोन लेंगे मतलब ज्यादा लोगों के में पैसा आएगा पैसा ज्यादा आएगा तो लोग कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं खर्चा भी ज्यादा करते हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका जनरली बढ़ेगा उसके इसमें राइट ओके देन इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट नो नथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स कलेक्शन में टैक्स कलेक्शन पे ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे उसका अलग सिनारी होगा देन इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यस ये पॉसिबल है बिल्कुल है बिकॉज लोग हैं तो पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे ना फिर वो ज़्यादा खरीदारी भी करेंगे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे पैसा होना चाहिए पैसा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे वो राइट इंक्रीज द टोटल सेविंग्स नो सेविंग्स तब बढ़ेंगी जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे सो so दैट लोग अपने पैसा जो है बैंक अकाउंट्स में ही रखते हैं डिपोजिट्स में ही रखते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ रहा होता है तो वो कम से कम लोन लेते हैं और जो पैसा ज़्यादा होता है वो अपना सेविंग्स करके डिपोजिट में रख देते हैं सो दैट उनको वहां से एटलीस्ट रिटर्न ज्यादा मिलता रहे

बट क्वेश्चन आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूछ रहा है इसका आंसर होगा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड राइट सी आंसर इज ए नेक्स्ट ओके ये जीडीपी रेशियो फॉर कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टैक्स टू जीडीपी रेशियो उसमें क्या बोल रहे डिक्रीज अगर आए ऑप्शंस है ए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देन लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑप्शन है आपके वन ओनली टू ओनली बोथ टू या फिर आपको टेक्स टू जी डी पी रेशियो थोड़ा समझ में आना चाहिए सी हाइयर अगर टेक्स टू जीडीपी रेशियो अपना हाई है अगर ये हाई है तो देन दैट इज अ गुड पॉइंट इट इज हाइयर जी डी पी रेशियो एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ शो करता है जनरली जो डेवलप्ड नेशन उनके तो हाँ है उनके टैक्स टू जी रेशियो हमेशा हाई रहते हैं बिकॉज वहां पर जो टैक्स कलेक्शन है जनरली टैक्स कलेक्शन क्या रहेगी आपकी हायर साइड पर रहती है लोग ज्यादा इकोनॉमी चलती है लोग टैक्स ज्यादा पे करते हैं और उससे इकोनॉमी रन भी अच्छे से होती है गवर्नमेंट के पैसा इकट्ठा होता रहता है राइट सो जनरली डेवलप्ड इकोनॉमी में हमेशा हाइयर टैक्स टू जीडीपी रेशियो रहता है सो अकॉर्डिंगली नाउ लेट्स सी द ऑप्शन फ्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यस अगर डिक्रीज होगा विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग यस अगर डिक्रीज है तो वो दिखा रहा है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो रहा है लेस टू जीडीपी रेशियो इट इंडिकेशन ऑफ ए स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यस दिस इज द करेक्ट आंसर देन लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम नो इक्विटेबल इसका इनकम इक्वालिटी से वगैरह ज्यादा कोई लेना देना नहीं है ऐसा नहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कोई खास लिंक नहीं होता इसका राइट सो दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए वन ओनली दैट इज स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर टैक्स टू जीडीपी डी डिक्रीज हो रहा है तो इज इंडिकेटर कि आपका ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है इट इज स्लोइंग डाउन राइट रिड्यूसिंग डाउन ओके नेक्स्ट द आंसर इज ए ओके देन कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स देन टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स देन सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड फोर्थ इज करेंसी राइट इनको जो है इनकी लिक्विडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन क्या है रहा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ़ अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन सबसे ज्यादा लिक्विडेबल कौन सा right? so, लिक्विडिटी क्या होती है लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू कैश कन्वर्जन इनटू कैश जो ज्यादा लिक्विड मतलब होता है ना फॉर्म चेंज कर लेना लिक्विडेबल हो जाना तो जितना जल्दी जो चीज कैश में कन्वर्ट हो सकती है फास्टर उतनी ज्यादा लिक्विडेबल होगी राइट सो दैट इज द थिंग सो कन्वर्जन इन टू कैश इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी और जो जितनी जल्दी लिक्विड जो कन्वर्ट हो सकता है कैश उतना तो ज्यादा लिक्विडेबल होगा वो राइट सो अकॉर्डिंग टू दिस दीज फोर स्टेटमेंट सबसे ज्यादा लिक्विडेबल कौन सा है डेफिनेटली करेंसी वो तो कैश ही है तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी करेंसी और ऑप्शन में अपने देखें तो दो ही ऑप्शन बनते हैं बट वी विल सी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ओनली राइट

ऑप्शन डी दैट इज फोर वन थ्री टू आंसर इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर अपना नेक्स्ट ओके बेजल थ्री अकॉर्ड और सिंपली बेजल थ्री ऑफन सीन इन द न्यूज सिक्स टू आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि बेजल थ्री जो नॉर्म्स हम पढ़ते रहते हैं वो किस चीज के बारे में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था टाइप के क्वेश्चन सिंपल हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो न्यूज में कुछ चल रहा हो तो डेफिनेटली उसको फॉलो अप करा करो कुछ भी न्यूज में चल रहा है तो उससे उससे रिलेटेड रिलेटेड डेफिनेटली आपको एग्जाम एग्जाम में में स्पेशली इट कम्स टू इकोनॉमी मिल सकता है तो ऑप्शन ए डेवलप नेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ओके इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट ओके देन रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बट व्लेस इज अवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज ओके

कि जिसके अंदर ये क्या वो कौन सा क्राइटेरिया है क्रेडिट टू रिस्क वेटेड वेटेड एसेट एसेट रेशियो रेशियो क्रेडिट टू रिस्क कि अगर डिफॉल्ट मतलब वाले वाले होने के चांस ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू दैट रिस्क वेटेड एसेट्स उनके पास हर टाइम मैनेज रहनी चाहिए मतलब जितना उनका रिस्क एसेट में जितना लोन उन्होंने दिए हुए हैं उसके प्रोपोर्शनली इतनी कैपिटल उनके पास हमेशा रहनी चाहिए तो कितना होना चाहिए सी आर एरेंट और इंडिया में कितना आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है इलेवन परसेंट राइट आरबीआई मैनेज करेगा बेसल थ्री नॉर्म्स को और क्या किसी बैंक के लिए मैंडेटरी होगा इसको मानना नो no. मैंडेटरी नहीं होता सेंट्रल बैंक के लिए राइट right? ये वॉलेंट्री होता है बट जनरली ये एक लेजिटिमेट वे है तो इसको मानना ही पड़ता है सो so दैट आप ग्लोबली साउंड दिखो आप ग्लोबली एक स्टेबल भी दिखो तो इसको डेफिनेटली सब एग्री करते ही हैं मानते ही एग्री करते हैं इसी टर्म्स पे राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी दैट इज इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद डी विदियल इकोनॉमिकेशन इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट राइट सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विद दिस वी एव रीच द एंड ऑफ आवर टूडेज क्वेश्चन बट बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्ट फ्रॉम यू कि आपने अपनी पढ़ाई तो कर ली होगी राइट right? आपने स्टडी कर लिया बट आपको लगता है कि क्या है, ये सिर्फ इनफ हो गया इतने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो माई डियर फ्रेंड्स अगर आप इसको सोचते हैं कि येस इट इज द करेक्ट आंसर टू नो आपको अभी जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है अगर आपने अभी तक नहीं मूव किया तो विच इज वॉट विच इज द एप्लीकेशन वॉर द प्रैक्टिस पार्ट जहां पर आपको एम सी क्यूज मोक टेस्ट टेस्ट लगाने की जरूरत है बिना उसके आपकी प्रिपरेशन की जर्नी इनकम्प्लीट है जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे कि अभी भी आपका वीक एरिया कहां पर है आप कैसे क्या क्या मिस्टेक कर रहे पेपर कर हो पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो दो घंटे के अंदर आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे अगर उसके अंदर जो गोले भरने हैं गोले भरने में तो टाइम नहीं लग रहा आपको ऑल दीज थिंग्स बेसिक बेसिक थिंग्स ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं होता है क्या हमने हार्डवर्क किया होता है पढ़ाई की होती है बट अल्टीमेटली जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं डी डे वाले दिन, वहां हम से पेपर नहीं हो पाता, हम टाइम का मैनेज नहीं कर पाते हैं तो क्यों होती है इसको अवॉइड करने, करने का राइट सो माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक ये नहीं करा तो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू व्हिच इज व्हाट व्हिच इज अभी एक्सक्लूसिवली एचसीएस टेस्ट सीरीज सो लेट मी शो यू व्हाट इट इज जस्ट इट सी मन्यू आई एस आपके लिए एक्सक्लूसिवली एच सी एस के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है हमने जहां पर टोटल ट्वेंटी सिक्स टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू जिसके अंदर जीएस सी सेट सब कुछ इंक्लूडेड है जीएस के अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट हरियाणा के टेस्ट राइट आपके सी सेट के अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट एवरी थिंग इज देयर टोटल छब्बीस टेस्ट है कहीं जाने की जरूरत नहीं है एक ही जगह पे सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल है और द बिगेस्ट थिंग इसका प्राइस जस्ट रुपी सिक्सटी फाइव हंड्रेड राइट यू विल बी गेटिंग दिस सेट ओनली सिक्सटी फाइव हंड्रेड एटी फाइव हंड्रेड होता है बट आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट पे पेस्टी फाइव हंड्रेड मैंने एक किया है और जो कोर्स का है वो क्या है कि यू विल बी गिवन प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट जब आपने टेस्ट दिया आपको प्रॉपर एक एनालिसिस मिलेगा जहां पर आपको आपके वीक बताए जा रहे होंगे आपको पता लगेगा कि आप आपके फिली मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वीक एरियर्स पता लगेंगे सो दैट यू विल बी नो कि आपको रिविजन की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है उन उनपे काम करेंगे सो so दैट जब आप लास्ट जब आपका फाइनल एग्जाम वाला दिन होगा आपका सारी की सारी जो मिस्टेक्स आप पहले करे थे वहां ना करें वो सब अवॉइड हो सके वहीं इस टेस्ट सीरीज का मेन टारगेट रहेगा आपके लिए राइट right? सो so, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है सपोर्ट नंबर पे भी आपको नीचे प्रोवाइडेड है कोई भी आपको डाउट है सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे लिंक करके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टेट सीरीज को एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल राइट सो अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई विश यू गुड लक सो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू